हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ जैनब। जैनब की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेबल की यूनिक रेसिपी। जो लोग वेजिटेबल नहीं खाते, सिर्फ नॉन वेज ही पसंद करते हैं, वो लोग भी आज ये रेसिपी देखकर वेजिटेबल पसंद करने लगेंगे और खाने लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली एक कढ़ाई, उसमें डाल रही हूँ एक वाटी तेल। ये मेरी 100 ग्राम की वाटी है। इस माप के अनुसार आधी वाटी तेल और डालूँगी। तेल को होने देना है गरम। रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी की रेसिपी आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। एंड तक सब्जी की रेसिपी ध्यान से देखिएगा, स्केप कर कर के मत देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से रेसिपी को देखिएगा, तो ही आपकी ये सब्जी स्वादिष्ट और लाजवाब बनेगी। तेल गरम हो चुका है। ये मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप करके रख दी थी। इसे मैं तेल में डाल दूँगी। कुछ ही सेकंड हमें इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। अब मैं डाल दूंगी 4 हरी मिर्ची, जिसे मैंने बीच में से कट लगा दिए थे। इसे भी हमें डालकर थोड़ी देर ही पकाना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। ये 2 बड़े आलू लिए थे मैंने, जिसे मैंने त्रिकोण आकार में छोटे छोटे काट लिए हैं। इसे भी हमें कुछ ही सेकंड के लिए पकाना है, तो इसे हम ढककर पकाएंगे। कुछ सेकंड ही पकाना है, इसलिए हमें इसे ढकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे ढक देंगे तो हमारी जो सब्जी है वो कुछ सेकंड में जितना हमें पकाना है वो पक जाएगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर। गाजर को भी डालकर हमें अच्छे से हिलाकर ढक देना है कुछ सेकंड के लिए। ये हमारी गाजर भी पक चुकी है, हमें इसे खोल कर देख रहे हैं। अब इसमें डाल दूंगी फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन को हमने क्रॉस क्रॉस काटा है, गोल गोल नहीं काटा है। इससे पकने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अगर हम फ्रेंच बीन को गोल गोल काटेंगे तो वो जल्दी से घुल जाती है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चपटी फली है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ये चपटी फली पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसे भी हम ढककर पकाएंगे कुछ ही मिनट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। ये मैंने 2 छोटी शिमला मिर्च ली थी, जिसे मैंने चौरस चौरस टुकड़ों में काट लिया था। ये सभी सब्जियां मेरी 100 ग्राम है। 100 ग्राम फ्रेंच बीन, 100 ग्राम चपटी फली और 100 ग्राम गाजर। इन सभी सब्जियों को हमें इस तरह पकाना है कि ये पके तो सही, लेकिन घुल ना जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्लावर। ये भी 100 ग्राम जितना फ्लावर था, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये सभी सब्जियों को मिक्स करके हमें फिर से ढककर रख देना है। ये हमारी सब्जियाँ कुछ आधी कच्ची, कुछ आधी पक्की, जैसे हमें चाहिए था उस तरह से पक चुकी है। अब हम इसे छलनी की मदद से एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके अंदर का पूरा तेल निकाल लेंगे। इन सब्जियों को बोल में निकालने के बाद इसके अंदर मैं आधा ग्लास पानी डाल दूँगी। इसे हमें आधा ग्लास पानी क्यों डालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये बचे हुए तेल में मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी हिलाना है और गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। इसमें मैं डाल दूंगी जो सब्जियों के अंदर मैंने आधा ग्लास पानी डाली थी उसका स्टार्च। ये इसलिए डालना है ताकि हम अब आगे जो मसाले डालेंगे वो हमारे मसाले इसमें जल ना जाए, क्योंकि हमारा तेल कंटिन्यूसली गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दी आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया की बुक्की। अब मैं डालूंगी आधी चम्मच कलर वाली मिर्ची की बुक्की। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तीखी वाली मिर्ची की बुक्की। इन सभी मसालों को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से हिला के कुछ सेकंड पकाना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये मैंने 2 भरे टमाटर लिए थे, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। ये टमाटर और मसाले एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। इसे पकाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा और स्टार्च। ये हो गया हमारा आधा ग्लास स्टार्च का पानी। इस पानी से हमें टमाटर पकाने में मदद मिल जाएगी।
और हमारी सब्जियों का स्वाद एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें इसमें और कोई पानी नहीं डालना है, सिर्फ सब्जी का ही पानी हमने इसमें यूज़ किया है। ये देखिए हमारे टमाटर और मसाले एक हो चुके हैं और ग्रेवी का रूप ले चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी हमारी सब्जियाँ। ये सारी सब्जियाँ हम इसमें डालकर इसे अच्छे तरीके से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमारी सारी सब्जियाँ मिक्स हो रही है, जब तक मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। कुछ मिनट के लिए हम हमारी सब्जियों को ढककर पकने रख देंगे, ताकि हमारी सब्जी ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी सब्जी अच्छी तरह से मसालों के अंदर मिक्स हो चुकी है। इसे मैं आपको एक डेगची में लेकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है ना कितनी टमटमाती हुई स्वादिष्ट सब्जी। इसे आप पराठों के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खाइएगा, काफ़ी स्वादिष्ट लगेगी और हर एक सब्जी का स्वाद आपके मुंह में घुल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।